हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खास चीज जो मुझे मेरे हस्बैंड के द्वारा मिला है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। ठीक है, मैं फोन से अपना वीडियो एडिट कर रही थी और मैं अचानक से दरवाजे की तरफ गई तो ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अंदर से आवाज आई कि कोई मुझे खटखटा रहा है, तो मैं अचानक सा फोन लेकर गई वहां पे और जो मेरा फोन है वो मेरे हाथ से स्लिप कर गई और फर्श पे गिर गई और उसके बाद वो फोन टूट गया। मतलब पूरा जो उसका डिस्प्ले होता है वो टूट गया। मतलब पूरा खराब तो नहीं हुआ लेकिन टूट गया बहुत ही ज्यादा। एकदम मेरा नया फोन था, मैंने अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है तभी मैंने लिया था। और मुझे बहुत ही ज्यादा देख के ये चीज अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, बहुत ज्यादा मैं रोई। मतलब तकलीफ तो होता ही है, किसी का नया फोन टूटेगा तो बहुत ज्यादा अंदर से दुख होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि मेरा फोन टूट गया है। एक्चुअली फोन चल रहा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, फोन तो मेरा चल रहा है, लेकिन मैंने उसी फोन से उनको फोन किया कि मेरा फोन टूट गया है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे टूट गया। मैंने पूरा प्रोसेस उनको बताया कि मेरा फोन ऐसे ऐसे टूट गया, गिर गया, मेरे हाथ से फिसल गया। तो उन्होंने मुझे कुछ बोला तो नहीं, कुछ खास नहीं बोला, बस यही बोला कि अचानक ऐसे फिसल के टूट गया मेरे हाथ से। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है सडनली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फोन टूट जाए। तो उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोला, बट शाम को जब आए तो मैं काफी सैड थी, बहुत ज्यादा मैं उदास थी और मैं उनसे उतना ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। उनसे क्या, मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थी मैं फोन टूटने की वजह से। कि मैं सोच रही थी कि अब मैं कैसे कुछ करूंगी, बिल्कुल भी अजीब टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ मेरा मतलब छूट गया है, अंधेरा अंधेरा सा। तो वो मुझसे कुछ बोले नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा रो रही थी, मेरी आंखों में थोड़ा आंसू था तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो उसी दिन से परेशान हो गए और मतलब उसी दिन फोन, नया फोन देखने लगे। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद इतना जल्दी वो फोन ऑर्डर नहीं करेंगे, बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे इतना सैड देखा और उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ और उन्होंने मेरे लिए मतलब उसी दिन से फोन मतलब स्टार्ट किया सर्च करना और नेक्स्ट दिन ही उन्होंने मेरे लिए फोन ऑर्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने उनसे बोला भी था एक आध बार मतलब दुखी होके कि इतना जल्दी मुझे फोन मत दीजिए, मैंने फोन तोड़ा है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो फिर भी उन्होंने नहीं माना और मेरे लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे लिए ये फोन ऑर्डर हो चुका है और आज ये मेरे पास आ चुका है। मात्र 2 दिन में ये फोन मेरे पास आया है। तो मुझे मतलब अंदर से एक होता है ना, विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा फोन इतना जल्दी मेरे को मिल गया। 2 दिन ही, 2 दिन, 2-3 दिन हुए हैं तो ये फोन मेरे को इतना जल्दी रिसीव हुआ कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना जल्दी फोन ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली उनके जगह पे कोई होता तो शायद करता नहीं करता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक केयरिंग हस्बैंड है और मेरे लिए इतना कुछ किए हैं तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आज अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा ये फोन कैसा है। एक्चुअली ये फोन उनके पसंद का ही है, तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये फोन कैसा है। तो फिलहाल इसको अभी हम कट करेंगे, इसमें टेप लगा हुआ है। इसमें एक कागज आता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसमें नोटिफिकेशन होता है पूरा। तो मैं उस कागज को बहुत सेफ रखती हूँ, इसलिए पहले मैं उस कागज को निकाल लेती हूँ। ये रहा वो कागज, इस पे लगा हुआ है, इसको मैं निकाल देती हूँ। कभी भी मेरी आदत है किसी भी कागज को बहुत सेफ रखना। उसके बाद अब मैं इसको अंदर से कट करूंगी यहाँ से। फ्रेंड्स ये कट हो चुका है, देखिए यहाँ पे। और फाइनली इसका डब्बा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो देखिए ये है। अब इसके अंदर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा फाइनली मेरे फोन का ऊपर का कवर और ये डब्बा है अभी।
तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, कितना स्लिम है अंदर से, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। छूने में काफी हैवी है यार, काफी भारी है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि ये फोन कैसा है अभी फिलहाल में। एक्चुअली न्यू फोन का मजा ही कुछ अलग होता है, नया नया फोन जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे महंगा फोन कुछ ज्यादा चलाने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है कि जब नया फोन रहता है तो अच्छा लगता है। मैं कोई खास फोन चलाने के शौकीन नहीं हूँ, बस इतना रहना चाहिए कि मेरा फोन एक अच्छा स्टाइलिस्ट हो, अच्छा लुक दे, उसका कैमरा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। बट ये नहीं कि यार कि आईफोन ही चलाओगे तो चलाओगे और कोई फोन रहेगा तो नहीं चलाओगे, ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं कोई आईफोन वगैरह की शौकीन नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये खुल चुका है और इसको मैं अभी खोलूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है दोनों साइड से, इसमें टेप लगा हुआ है तो इसको भी हमको कट करना पड़ेगा। तो इसको हम काट लेते हैं तब जाके ये खुलेगा। हाँ तो इधर से खुल चुका है और अब इधर की बारी है, तो यहाँ पे इसको भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने खोल रही हूँ, ये है मेरा नया फोन, कैसा लग रहा है? अच्छा इधर से, इधर से। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर क्या है, अभी मैं फोन को दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये फोन है मेरा और इसके अंदर मुझे ये कवर मिला है, ये वाला एक कवर मिला है इसका फोन का लगाने वाला, और ये इसका पिन, ये पिन है सिम वगैरह चेंज करने वाला जो पिन होता है वो, और इसका ये है फ्रेंड्स चार्जर। चार्जर काफी हैवी है, शायद 33 वाट का है और फास्ट, एक्स्ट्रा फास्ट चार्जिंग है, 1 घंटे में ये मोबाइल को पूरा चार्ज कर देगा, तो वो वाला चार्जिंग है। और यहाँ पर ये रहा इसका डेटा केबल, जैसे इसमें लगा के यूएसबी होता है वो है, और अंदर से ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, देखिए ऐसा है। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम रख देते हैं और अभी आपको दिखाएंगे फोन। तो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे इस सारे को रख दिया मैंने, और ये रहा फाइनली मेरा फोन जो एक ब्लैक कलर के इसमें है, वो क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये इसका मिला था कवर, इसमें था। और फाइनली फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ क्या ये फोन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका लुक काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना मस्त है ना, आपको कैसा लग रहा है ये फोन, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लग रहा है। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आगे से तो आप देख सकते हैं कि आगे से तो वैसा ही दिखता है और मैं इसमें दिख रही हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, और पीछे से इसका लुक ये है। तो फाइनली इसको चलिए ऑन करते हैं, अभी इसको मैंने ऑन किया है यहाँ पे, देखिए तो अभी मैं ऑन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंड्रॉयड है, क्या मस्त लग रहा है, पीछे से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली ज्यादा कुछ हैवी नहीं है लेकिन फिर भी हैवी है, ठीक है उतना नहीं है, पकड़ने में बहुत अच्छा है, ऐसे फिसलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसमें कवर लगा दो तो ये काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा फोन स्टार्ट हो गया है, देखिए आप। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, फोन तो स्टार्ट हो गया है बट अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी, सेट करना पड़ेगा इसको। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे इंडिया, उसके बाद मैं इसको सेट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मुझे ये फोन बहुत अच्छा लगा और मैं इसको सेट कर लूंगी। तो देखिए आप कैसा लग रहा है आपको ये फोन, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग और मेरा हस्बैंड द्वारा दिया गया ये गिफ्ट। तो फ्रेंड्स उन्होंने इतना जल्दी मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी ये अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।